नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज 17 अगस्त 2023 को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, आयुष मंत्री श्री रामकिशोर नानो कावरे, सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण भुरु अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रमेश भटेरे, विधानसभा विस्तारक श्री कृष्णकांत झारिया, भाजयुमो अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सुहागपुरे सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री माननीय श्री रामकिशोर नानो कावरे ने कहा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास का काम हुआ है शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 60 साल कांग्रेस में शासन किया लेकिन परसवाड़ा की जनता को कुछ नहीं दिया। कार्यकर्ताओं को की मेहनत का परिणाम है कि मैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया और जनता एवं कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप मैंने रात दिन विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में अपने आप को लगा दिया, जिसका परिणाम आपके सामने है। चुनाव में हमारा मुकाबला करने की ताकत किसी व्यक्ति या दल में नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत बलशाली है, उसके पास छाती ठोक कर खाने के लिए बहुत सारे काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को अत्यधिक सम्मान एवं महत्व दिया जाता है। छोटे से छोटी कार्यकर्ताओं के कार्यों का आकलन पार्टी करती है। आपको सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को समझाना है। केंद्रीय मंत्री भगवान सिंह कुलस्ते जी ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक एक छत्र राज किया लेकिन गरीब वंचित वर्ग और आदिवासी आम जनता के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जबकि केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का सफाया किया। सांसद श्री लाल सिंह बिसेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्राण से जुट जाना है। परसवाड़ा में हमारे पास ऐतिहासिक विकास कार्य है जिसके बलबूते पर हमारा कार्यकर्ता सीना तान कर अपनी बात रख सकता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग श्री अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने आयुष मंत्री श्री कावरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि इन्होंने मुझे भी अधिक विकास कार्यक्रम है। मैंने तो एक ही कॉलेज खुलवाए हैं, उन्होंने 3-3 कॉलेज खुलवा दिए। सही मायने में विकास पुरुष है। आज उनके काम के बलबूते पर हम बहुत ज़्यादा इंट्रो से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को पता करेंगे। कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में हमारे लगातार 17 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सरकार जितना काम की है और सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से जिन भावों को लेकर हम सरकार बनाते हैं, गरीब की सेवा, जनता की सेवा, गरीबों के लिए योजना, मजदूरों के लिए योजना, किसान के लिए योजना, मातृशक्तियों के लिए योजना, परंतु इन योजना का क्रियान्वयन हमारे ग्राम पंचायत में कैसे हो, उसके लिए 17 सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के रूप में हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद में हम विकास यात्रा किए, फिर उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का पार्ट टू किया और फिर 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक विकास पर्व, और उसके बाद में हमने जो काम किया वो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक बूथ पे उसका लाभ मिल जाए, उसके लिए आज यहाँ पर ये सम्मेलन, ये प्रशिक्षण उनको बताया गया कि अभी चुनाव का 2023 का जो चुनाव आएगा उसमें वोटर लिस्ट में जो लोगों का नाम नहीं है उनको कैसे नाम बुलाना, तमाम प्रकार की योजना हमारी जो सरकार की चल रही है वो कैसे हमारे जनता को मिल पाए, जो झूठ गए होंगे उनको कैसे बुलाना है, ये सारी चीज़ों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का आयोजन होते रहता है। कभी प्रभारी या संयोजक का अभ्यास वर्ग होता है, कभी विधानसभा के मंडल का अभ्यास वर्ग होता है, तो कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग होता है। लगातार हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं। आज उसी का स्वरूप है, यानी एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हुए जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे केंद्रीय के मंत्री सम्मानित भगत सिंह कुलस्ते जी आए थे, सम्मानित हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी आए थे,
तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद यहाँ पर आए हुए थे, हमारे जिले के अध्यक्ष, तो हर विधानसभा में अपने बड़े नेता जनप्रतिनिधि आते हैं, वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं और एक एक बूथ का यहाँ पर कार्यकर्ता, आज यहाँ पर हमारे त्रिदेव कार्यकर्ता आए थे, बूथ अध्यक्ष आए थे, PLA आए थे, महामंत्री आए थे, सारे मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, जिनको जवाबदारी है, वो जवाबदारी का कैसे निर्वहन करेंगे उनको जवाबदारी के बारे में बताया गया, जो सामान्य कार्यकर्ता है उनकी जवाबदारी तय की गई है।